क्या हैं तीन बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन फ्रॉम आई लीग टू ISL, हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, AKA इंडियन फुटबॉल फैन, और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है आई लीग में, एंड इस सीजन का जो आई लीग का चैंपियन होगा वो पहुंच सकता है अब ISL में नेक्स्ट सीजन। यस, आपने सही सुना, प्रमोशन आ चुका है। रेलिगेशन आने में अभी टाइम है, मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल प्रमोशन की एंड उसके कारण क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इंडियन फुटबॉल को उसके बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इंडियन फुटबॉल फैन तो कर लीजिए, बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, एंड कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको, प्रमोशन आने से इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जैसे कि आपको पता है प्रमोशन आ गया है, तो प्रमोशन का पहला जो मैं कहूँगा बेनिफिट है वो है कि हमारे और नए क्लब्स एंड जो पुराने क्लब्स चले गए थे वो अब वापस आना चाहते हैं। जैसे डेम्पो SC एक हमारा क्लब था, तो डेम्पो वापस आना चाहता है एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन आई लीग टू आई लीग, जिससे वो अब यहाँ पर ISL में पैसे देकर नहीं, मेरिट के बेसिस पर पहुँच सकें। एंड इसी के कारण उन्होंने 2016 या 17 में इंडियन फुटबॉल छोड़ दिया था, बिकॉज उनका मानना था कि ISL में मैं पैसे देकर नहीं जाऊँगा, मैं मेरिट के बेसिस पर जाऊँगा। और अब जब प्रमोशन आ चुका है, डेम्पो SC की बात हो रही है कि वो वापस आ सकते हैं। एंड इवन जो छोटे छोटे क्लब्स होंगे अब, या फिर कोई नया क्लब स्टार्ट करना चाहता है, उनको भी अब थोड़ी अब ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर आपकी टीम अच्छा खेलती है, देन योर टीम कैन रीच ISL, एंड वो बहुत अच्छी एक बात होगी हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए, बिकॉज मोर फुटबॉल क्लब्स मीन्स मोर मनी मीन्स मोर प्लेइंग टाइम फॉर आर प्लेयर्स। तो इसलिए सेकेंड बेनिफिट जो है वो है हमारा कि प्लेइंग टाइम हमारे इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब जैसे ISL में एक क्लब बढ़ जाएगा तो मैचेस ISL में बढ़ेंगे, तो उसके कारण ISL में मैचेस ज़्यादा होने के कारण हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको प्लेइंग टाइम ज़्यादा मिलेगा। एंड इवन इन आई लीग आप देखोगे कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में अगर और अच्छा ऐसा प्रमोशन रेलिगेशन चलता रहा, आई लीग में भी क्लब्स इंप्रूव होंगे एंड आई लीग में भी क्लब्स के नंबर बढ़ेंगे, एंड उसके बढ़ने से लीग भी ज़्यादा लंबा होगा एंड मैचेस भी ज़्यादा मिलेंगे, जिससे हमारे प्लेयर्स जो अभी इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको उतना प्लेइंग टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम वो घर पर रहते हैं एंड उसके कारण इंजरी प्रोन हो जाते हैं, मगर अगर वो खेलते रहेंगे तो उतना इंजरी भी अफेक्ट नहीं करेगा एंड ज़्यादा खेलेंगे तो उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी एंड हमारी इंडियन टीम में भी उसका इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। एंड जो थर्ड बेनिफिट है एंड फाइनल बेनिफिट है वो है हमारा कम्पेटिटिवनेस। जो आई लीग में अभी कम्पेटिटिवनेस थी वो उतनी खास नहीं थी, बिकॉज कोई प्रमोशन नहीं था, आप केवल लीग जीतते हो एंड आप रेलीगेट हो जाते हो, मगर कोई कम्पेटिटिवनेस नहीं था, क्योंकि जो आप जीतोगे उसका कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। आप प्रमोशन अगर आपको अब मिल रहा है ISL में, तो टीम्स भी लड़ेंगी, सारी टीम्स अब अपनी स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाएंगी, अच्छे प्लेयर्स लाएंगी, अच्छे कोचेज लाएंगी एंड आई लीग में कम्पेटिटिवनेस अब बढ़ेगा, क्योंकि सारी टीम्स अब फाइट करेंगी वो नंबर वन स्पॉट के लिए, जिसके कारण वो ISL में पहुंच सके एंड दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। इवन ISL में अगर टीम्स इंप्रूव होती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स बढ़ती हैं, तो ISL में भी जो कम्पेटिटिवनेस होगा वो बढ़ेगा, बट ISL में कम्पेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हमको और रेलीगेशन लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज जब तक वो नीचे की टीम्स डरेंगी नहीं कि हम अगर इस टाइम लास्ट पे फिनिश कर गए तो हम रेलीगेट होकर आई लीग में जा सकते हैं, तब तक वो थोड़ा और कम्पेटिटिवनेस ISL का नहीं आएगा, जब तक रेलीगेशन नहीं आएगा। बट प्रमोशन से ऑलरेडी चीज़ें इंप्रूव होंगी, ये मेरा मानना है एंड मुझे लगता है कि इंडियन फुटबॉल सही रास्ते पर है। फाइनली इतने सालों बाद हम प्रमोशन लेकर आए हैं एंड होपफुली दो सीज़न के बाद आपको रेलीगेशन भी देखने को मिलेगा, ये मेरा मानना है। जिस तरीके का रोड मैप था हमारी इंडियन फुटबॉल में, उसमें लिखा था कि 2 साल प्रमोशन होगा एंड फिर रेलीगेशन स्टार्ट होगा, सो होपफुली वो रोड मैप हम लोग फॉलो करेंगे एंड आगे चलकर और ज़्यादा टीम्स हम देखने को मिलेगी हमें ISL में एंड आई लीग में, एंड प्रमोशन रेलीगेशन दोनों देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड क्या ओपिनियन है आपका प्रमोशन को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडियन फुटबॉल फैन को, बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और इंडियन फुटबॉल फैन देखते रहिए। Thank you.